आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचा, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि होने वाले उपचुनाव में सपा के खिलाफ वोटिंग का दबाव बनाया जा रहा है। सपा नेताओं का कहना है कि पहले भी हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला अधिकारियों को हटाने की शिकायत की है। लगातार सपा के कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे डरा धमकाकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है। वहीं राजेंद्र चौधरी ने शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा कम करने के बयान पर कहा, ये सब बीजेपी के दोहरे चरित्र को दिखाता है। भाजपा ने भी यह तय कर लिया है कि लोकतंत्र को अपने शर्तों पर वो संचालित करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि और श्री अखिलेश यादव जी ने बराबर कहा है कि हमारी आस्था निष्ठा लोकतंत्र के लिए है, हम काम करेंगे लोकतंत्र। एक बार फिर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज निर्वाचन आयोग यहां शिकायत करने के लिए पहुंचा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी जी। सर, आज आप फिर एक बार आए हैं निर्वाचन आयोग से, क्या है? रोज इसलिए कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, मतदाताओं को निष्पक्ष निर्भीक होकर के मतदान करने से रोका जाए, इस कोशिश में भाजपा लगी हुई है। स्थानीय प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है, जिला बदर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए वहां पर लगे हुए हैं। उसने तो थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हमने कल भी निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी और आज हमने तमाम उन अधिकारियों की शिकायत की है जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। साफ तौर पर उन्होंने शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा हट कम करने को लेकर भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया है। लखनऊ से एमके न्यूज के लिए अविनाश।